आज की जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है हार्ट ब्लॉकेज के लिए है, हार्ट प्रॉब्लम के लिए, पल्पुलेशन की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर इरेगुलर होता है जो हार्ट बीट आपकी कभी तेज या कभी कम हो जाती है, एंजाइटी फीलिंग होती है आपको, बेचैनी, हार्ट को हेल्दी रखने के लिए बहुत ही बेहतरीन ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए, और इसको स्वस्थ व्यक्ति भी करे तो उनको आने वाले समय में हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्यूप्रेशर थेरेपी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, तो इसको आप जरूर अपने लाइफ में शामिल कर लें। आज का एक्यूप्रेशर पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हमारे हार्ट के लिए है, हेल्दी हार्ट के लिए है। जिनको भी हार्ट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए ये वाला एक्यूप्रेशर पॉइंट बहुत ही बेहतरीन रहेगा। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखा करें जिससे कि आप इससे पूरा फायदा ले सकें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं उसका पॉइंट कहाँ पे है। तो आज हम बताएंगे सुजोग थेरेपी के अनुसार। तो सु माने होता है हाथ और जोग माने पैर। तो जो हमारी बॉडी है पूरा हमारे हाथों में होती है, ये हमारा हेड और नेक का हिस्सा होता है, ये पूरा हमारा चेस्ट होता है, ये एब्डोमिनल का पार्ट होता है, ये दोनों हमारे लेग्स होते हैं, ये दोनों हमारे हैंड होते हैं, हाथ होते हैं। तो सुजोग के अनुसार जब आप अंगूठे को इस प्रकार से करते हैं, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है, अंगूठे को आपको सीधा रखना है पोजीशन को क्लियर देखने के लिए। तो इस प्रकार से हम पोजीशन को रखेंगे अंगूठे को इस प्रकार से। इसको हम 3 स्टेप्स में फाइंड करेंगे। पहले लोकेशन फाइंड करेंगे, फिर उसको एक्टिवेट करेंगे, फिर उसके बाद में मैग्नेट थेरेपी करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत चाहिए पड़ेगी तो हम देख लेते हैं। ये डॉक्टर टेप है, ये हमें स्टार मैग्नेट लगेगा, और ये टूल है जिमी एक्यूप्रेशर की। तो इन सभी चीज़ों की अभी हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो पॉइंट की लोकेशन हम देख लेते हैं। इसमें एक बात और आप ध्यान रखिएगा, जिस साइड का आपका ऑर्गन होता है उस साइड का आपको हाथ लेना है तो ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। तो मेन कॉरेस्पॉन्डेंस पे लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप इंसेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस पे लगाएंगे तो जल्दी आपको हील होगी जो प्रॉब्लम है आपकी। तो चलिए अब हम पॉइंट को लोकेट कर लेते हैं। हम अंगूठे को इस प्रकार से रखेंगे सीधा, तो ये हमारा हेड और नेक हो गया, ये हमारे चेस्ट का भाग हो गया। तो बीच में आप एक लाइन खींच देंगे, और ये हमारे लंग्स हो गए, यहाँ पे हमारा हार्ट आ गया। तो ये हमारा एग्जैक्ट लोकेशन हो गया है इसका एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारा सुजोग एक्यूप्रेशर थेरेपी के अनुसार। तो यहाँ पर आप 2 से 3 मिनट प्रेस करेंगे। तो जब आप प्रेस करेंगे आपको यहाँ पे पेन फील होगा, अगर आपके हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम है या धीरे धीरे हार्ट जब वीक हो जाता है तब भी ये एरिया पेनफुल आपको फील होने लगेगा। तो इसको आप यहाँ पे अच्छे से 2 से 3 मिनट एक्टिवेट करेंगे इस जगह को। तो एग्जैक्ट लोकेशन आपने देख ली। अब इंसेक्ट लोकेशन के लिए, जैसे हमारी सब फिंगर्स में भी हमारी पूरी बॉडी की रचना होती है, तो यहाँ पे हमारा जो ये हेड एंड नेक का हिस्सा आ जाता है, ये हमारे चेस्ट का एरिया आ जाता है। तो बीच में आप जब ये लाइन खींचते हैं, क्योंकि हमारा जो हार्ट है लेफ्ट साइड होता है, तो ये वाला पॉइंट हमारा हार्ट का हो गया। तो ये आपको सभी फिंगर्स में मिलेगा, यहाँ पे इंडेक्स फिंगर में, ये मिडिल फिंगर में, रिंग फिंगर में, और ये स्मॉल फिंगर में। तो जितने ज़्यादा पॉइंट्स को दबाएंगे उतनी जल्दी आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। तो ये हो गया हमारा मेन कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट, ये हमारे इंसेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट। तो आप देख पा रहे हैं सही तरीके से, जैसे कि ये हमारा बीच में हम लाइन जब खींच देते हैं तो इस वाले हिस्से में हमारे लेफ्ट साइड में हार्ट का पॉइंट आता है। तो ये हमने यहाँ पे पॉइंट कर दिया है। अब सेकेंड, पहले लोकेशन हमने पॉइंट फाइंड किया, अब यहाँ पर हम एक्टिवेट के लिए, जैसे मैंने यहाँ पर अभी करके दिखाया था आपको, तो 2 मिनट कम से कम आप यहाँ पर प्रेस करेंगे, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज। अगर आपका स्टूल नहीं है आप अंगूठे की मदद से ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे गोल भी घुमा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, डीप एंड सॉफ्ट यहाँ पे मसाज करेंगे। इसी प्रकार से आपको सभी उंगलियों को 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से एक्टिवेट कर लेना है। तो ये हमारा हो गया सेकेंड स्टेप। जिनको हार्ट की बीट इरेगुलर रहती है, कभी तेज कभी धीमी, उनके लिए भी एक्यूप्रेशर पॉइंट बहुत ही
बढ़िया है, आपको हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे सीट, मैग्नेट लगाएंगे। आप सीट अगर आपके पास में मैग्नेट नहीं है तो आप यहाँ सीट लगा सकते हैं, जैसे यहाँ मैंने स्टार मैग्नेट लिया है। अब ये हम लगाएंगे यहाँ पे स्टार मैग्नेट, इसको इस प्रकार से लगाएंगे कि चुभने वाली साइड हमारे स्किन पे टच करेगी। तो यहाँ पे हमने इस प्रकार से लगा लिया है। तो ये हो गई हमारी मैग्नेट थेरेपी। आप सब जगह यही मैग्नेट को लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको 8 से 10 घंटे लगाने हैं। अगर आप दिन में लगा रहे हो तो हर एक घंटे में इसको प्रेस करते रहें, और या तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप रात को लगा के सोए और सवेरे इसको निकाल दें। इसको रीयूज़ कर सकते हैं, हम इसको फिर से यूज़ कर सकते हैं, और ये सभी पॉइंट्स को भी आप रोज़ प्रेस करें। सेम आप यहाँ पर इसको दबाएंगे, एक्यूप्रेशर यहाँ पे देंगे। तो ये हो गया हमारे हार्ट के लिए बहुत ही बेहतरीन एक्यूप्रेशर पॉइंट। जो हार्ट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है या फिर आपके हार्ट पल्पिलेशन की प्रॉब्लम है, बहुत सारी जो एंजाइटी फीलिंग होती है आपको, वो सब में ये बहुत हेल्प करेगा। तो एक्यूप्रेशर थेरेपी में आपको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, घर बैठे ही आप थोड़ी मोड़ी समस्याओं को अपना दूर कर सकते हैं। डॉक्टर की दवा लेते रहें, साथ में आप ये सब भी करेंगे तो आप देखेंगे इससे बहुत आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे।